अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 15.2-5। बुक है बीपिलाटी की, डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो उसकी स्टेटमेंट है, फॉर द मैसेजेस इन प्रॉब्लम 15.2-2 ऑब्टेन द कॉम्पैक्ट बाइनरी कोड। वो जो 15.2-2 था वो हमने सॉल्व किया था टर्शरी कोडिंग के लिए, और अब हमने उसी को सॉल्व करना है यूजिंग बाइनरी। और सेम उसी तरह हमने एवरेज लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है, एफिशिएंसी और रेडंडेंसी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमेशा मैं कहता रहता हूँ, और पहला स्टेप यही है कि हमने इन मैसेजेस को तरतीब से लिखना है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला मैसेज ऊपर लिखना है, उसके बाद कम प्रोबेबिलिटी वाला, और सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाला मैसेज सबसे नीचे हमने लिखना है। इट मींस वी हैव टू अरेंज दीज मैसेजेस अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज। दूसरा स्टेप ये है कि अब हम बाइनरी कोडिंग कर रहे हैं तो हम दो दो मैसेजेस को प्लस करेंगे, तो अब हम दो दो मैसेजेस को प्रोबेबिलिटीज को प्लस करेंगे। तो अब लोवेस्ट दो प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है 1/27, 1/27, तो इन दोनों का सम आ जाता है 2/27। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखना है उसकी जहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जगह बनती है। तो सबसे ऊपर हम लिखते हैं 1/3, नेक्स्ट 1/3, नेक्स्ट 1/9, 1/9, 1/27, और लास्ट टू को जब हमने सम किया था 2/27 विच इज़ ग्रेटर देन 1/27, तो अब हमने 2/27 को पहले लिखना है और 1/27 को बाद में लिखना है। तो ये 2/27 हमारा सम आ जाता है। अब हमने लोवेस्ट दो प्रोबेबिलिटीज को अगेन सम करना है, यानी 2/27 और नीचे 1/27, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये आ जाता है 3/27। तो 3/27 की कटिंग हो जाती है तो 1/9 बन जाता है। तो अब 1/9 हम लिखेंगे कहाँ पर उसकी जहाँ उसकी जगह बनती है, तो 1/3, 1/3, 1/9, 1/9, और अब जो नया 1/9 जो लास्ट दो प्रोबेबिलिटीज का सम आया है 1/9, वो अभी मैं लिख रहा हूँ 1/9, वो ये है। अब हमने लोवेस्ट दो प्रोबेबिलिटीज को अगेन सम करना है, ये सम बनता है 2/9। अब अगेन नेक्स्ट स्टेज में 1/3, नेक्स्ट 1/3 और फिर 1/9, लेकिन आखिरी दोनों का सम 2/9 आ जाता है, तो इस वजह से हमने 2/9 क्योंकि ज़्यादा है 1/9 से, तो 2/9 पहले लिखेंगे और 1/9 बाद में लिखेंगे। तो अब ये वाला सम आ रहा है 2/9। अब हमने इन दो प्रोबेबिलिटीज को अगेन सम करना है विच इज 3/9। तो 3/9 को जब हम कटिंग करेंगे 1/3 बनता है, तो ये ऊपर वाला 1/3, उसके बाद वाला 1/3, और अब भी जो आया है ये वो वाला पर 1/3 है लास्ट में। अब हमने इन दोनों को सम करना है विच इज 2/3। तो ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, तो ये टॉप पे आ जाएगी ये वाली प्रोबेबिलिटी 2/3, और अब 1/3 ये वाली प्रोबेबिलिटी नीचे चले जाएगी। अब हमने इनकी कोडिंग स्टार्ट करनी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक निशान लगा देता हूँ कि ये वाला प्रीवियस दो प्रोबेबिलिटीज का सम आया हुआ है। अब हम जब कोडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाइनरी कोडिंग है, अच्छा यहाँ पर एक स्टेप दोबारा से रिपीट कर दूँ कि बाइनरी कोडिंग में हम दो दो प्रोबेबिलिटीज लोवेस्ट दो दो प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं। जब सम करने के बाद जो सम आ जाता है उसको हम नेक्स्ट स्टेज में वहां पर लिखते हैं जो उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से जगह बनती है, और इस तरह से ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे जब हमारे पास दो प्रोबेबिलिटीज रह जाए, जिस तरह अभी स्टेज नंबर 5 में है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि बाइनरी है दो दो को सम करना है और दो पे एंड करना है। टर्शियरी हो तो 3-3 को सम करना और 3 पे एंड कर देना है, और इस तरह अगर टेट्रा हो यानी 4 अरे कोडिंग हो तो 4-4 को सम करना है और 4 पे एंड कर देना है। अब हम कोडिंग करते हैं, तो बाइनरी काउंटिंग हम जब करते हैं तो बाइनरी काउंटिंग हमारे पास क्या है, 0
और 1, तो ऊपर वाले का कोड 0 और नीचे वाले का कोड 1। अब जो एरो है ये 2 ओवर 3 के साथ है, इसका कोड है 0, तो ये सम है लोवेस्ट प्रीवियस दो प्रोबेबिलिटीज का, तो इसका कोड यहाँ पर लिखा 0 0, ऊपर वाले के साथ 0 लिखा, नीचे वाले के साथ 1 लिखा। अब 1 ओवर 3 का कोड यहाँ पर ये आ जाएगा। अब एरो लास्ट 1 ओवर 3 के साथ है, तो इसका कोड है 0 1, तो 0 1 कोड लास्ट दो प्रोबेबिलिटीज़ के साथ आ जाएगा 0 1, ऊपर वाले के साथ 0, नीचे वाले के साथ 1 आ जाएगा। अब 1 ओवर 3 का कोड 0 0 और ऊपर वाले 1 ओवर 3 का कोड 1, ऊपर वाला जो 1 ओवर 3 है ये इस तरह से प्रीवियस चलता जाएगा यही कोड। अब जो एरो है वो इसके साथ है, इसके साथ एरो है, इसका कोड है 0 1 0, तो लास्ट दो प्रोबेबिलिटीज का 0 1 0 0 1 0, ऊपर वाले के साथ 0 लिखा, नीचे वाले के साथ 1 लिखा। अब 1 ओवर 9 का कोड है 0 1 1, 1 ओवर 3 का कोड है 0 0, और टॉप पे जो 1 ओवर 3 है उसका कोड है 1। अब एरो इसके साथ है, इसका कोड है 0 1 0 1, तो लास्ट दोनों के साथ लिखा 0 1 0 1, ऊपर वाले के साथ 0 लिखा, नीचे वाले के साथ 1 लिखा। और अब 1 ओवर 9 का कोड है 0 1 0 0, और ऊपर वाले 1 ओवर 9 का कोड है 0 1 1, ऊपर वाला 1 ओवर 3 का कोड है 0 0, और टॉप 1 ओवर 3 का कोड है 1। अब एरो यहाँ पर है, इसका कोड हमने रिवर्स रिपीट करना है 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0, सॉरी 0 1 0 1 0, 0 1 0 1 0, ऊपर वाले के साथ 0 लिखा, नीचे वाले के साथ 1 लिखा। अब जो सबसे नीचे 1/27 है इसका कोड है 0 1 0 1 1, और 1/9 का कोड है 0 1 0 0, ऊपर वाला 1/9 का कोड है 0 1 1, 1/3 का कोड है 0 0, और 1/3 का कोड है 1। तो ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई है। दीज आर द वेरिएबल लेंथ कोड्स ऑफ दीज मैसेजेस, दीज आर अकॉर्डिंग टू दियर प्रोबेबिलिटीज। अब हमने एवरेज लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है, तो एवरेज लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करने के लिए हमने इस कोड का यानी ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स का हमने उसकी हेल्प लेनी है। तो सबसे पहले हमने एल फाइंड करनी है, एवरेज लेंथ ऑफ द कोड, विच इज समेशन पी आई एन टू एल आई, पी वन एन टू एल वन। तो फर्स्ट वन प्रोबेबिलिटी 1/3 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द कोड, इसका जो कोड है 1 डिजिट है या 1 बिट है, प्लस 1/3। सेकेंड वन इसका जो मैसेज है इसका कोड 2 बिट्स है, प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 3, प्लस 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस 1/27 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, प्लस 1/27 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये भी 6 है, प्लस 1/27 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको सम करेंगे, तो L will be equal to 1/3 plus 2/3, और उसके बाद 3/9 कटिंग कर सकते हैं, 3 और 9 की कटिंग, तो 1/3 भी बन जाता है, और ये 4/9, 5/27, 6/27, और लास्ट वन 6/27। अब इन सब को हम सम करेंगे,
सम करने के बाद ये आ जाता है 2.4074. सो दिस इज द एवरेज लेंथ ऑफ द कोट. अब आते हैं एंट्रोपी की तरफ. एच ऑफ एम विच इज इक्वल टू माइनस समेशन पी आई लॉग टू द बेस टू पी आई, तो माइनस 1/3 लॉग टू द बेस टू 1/3 प्लस सेकेंड 1/3 लॉग टू द बेस टू 1/3 प्लस 1/9 लॉग टू द बेस टू 1/9 प्लस, और इस तरह सॉल्व लिखते जाएंगे. द लास्ट वन इज 1/27 लॉग टू द बेस टू 1/27. अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं लॉग की. वो लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि लॉग 1/2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 माइनस लॉग 2. लॉग 1 जीरो की इक्वल है तो ये बच जाता है माइनस लॉग 2. तो इसी तरह हर एक लॉग के आर्गुमेंट में 1/ इस तरह से फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हर एक से एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा. तो इस तरह से हर एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो वो नेगेटिव साइन मैं बाहर वाले नेगेटिव साइन हर एक से कॉमन आ जाएगा, तो वो माइनस साइन इसके साथ प्लस कर देता हूँ. तो ये अब रह जाएगा 1/3 लॉग बेस 2, यहाँ पर 3, 1/ ख़त्म कर दिया, नेगेटिव साइन बाहर निकाला, वो बाहर वाले माइनस के साथ प्लस कर दिया. तो इस तरह से 1/3 लॉग बेस 2 और 3 प्लस 1/9 लॉग बेस 2 9, और इस तरह से करते जाएंगे 1/27 लॉग बेस 2 27. तो ये सारा कुछ लॉग बेस 2 लिखें और उसके बाद मल्टीप्लाई और प्लस करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2. यानी एच ऑफ एम इज इक्वल टू 2.289 एच ऑफ एम एंट्रोपी. अब हम फाइंड कर सकते हैं एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू एच ऑफ एम डिवाइडेड बाय एवरेज लेंथ ऑफ द कोड. एच ऑफ एम इज 2.289 डिवाइडेड बाय एल व्हिच इज इक्वल टू 2.407. जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 0.951. तो एफिशिएंसी 0.951, या इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 95.1%. और अब हम रिडंडेंसी फाइंड करते हैं विच इज 1 माइनस गेमा. तो गेमा की वैल्यू एफिशिएंसी है 0.951, तो गेमा विल बी इक्वल टू 0.049. तो ये है रिडंडेंसी, ये है एफिशिएंसी, ये है एंट्रोपी.